हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके क्लासेस साइंस। आज हम लोग सेल चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेल चैप्टर में फ्लूइड मोजाइक मॉडल बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आज हम लोग एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के बाद जाकर के जरूर देखना। और चैनल पर नए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और वैसे मैं आईसीएसई और सीबीएसई को मद्देनजर देखते हुए वीडियो बनाता हूं। स्टेट बोर्ड से भी है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तब पर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर मोस्ट कवर था साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लेने के बाद, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ लेने के बाद, अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट बताने से पहले मैं आपको डिफ्यूजन के बारे में बताना चाहता हूं। डिफ्यूजन, तो जरा सुनिए। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अगर किसी भी चीज का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है तो उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। अब आप देखो, अगर बत्ती रूम के एक कॉर्नर पर जलाते हो उसका स्मेल चारों तरफ चला जाता है, तो जहां पर अगर बत्ती जलाए हो वहां पर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और जहां पर नहीं जलाए हुए हो वहां पर कंसंट्रेशन कम है, तो देखते हो धीरे धीरे उसका स्मेल हाई टू लो फैल जाता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। कोई भी चीज हाई से लो अगर मूव करता है तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये बात आपको पता है। तो अगर डिफ्यूजन पता है तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेल में जो मूवमेंट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होता है, इन एंड आउट, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको सेलेक्टिवली परमिएबल है और सेमी परमिएबल नेचर भी है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है तो जरा सुनेंगे। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो कहीं ना कहीं जो डिफ्यूजन का डिफिनेशन है वही पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफ्यूजन है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस का मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन कहां मूवमेंट होगा? तो सेल के अंदर या सेल से बाहर। किसके थ्रू? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, बिकॉज सेल के अंदर और बाहर चीजों को कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में बस क्या होगा, चीजें हाई टू लो मूव कर जाएंगी। बेस्ट एग्जाम्पल आप ले लो, आप एक बीकर ले लो। मैं यहां पर एक एक्टिविटी आपको दिखाऊंगा, जरा देखिए। इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या है, आप यहां पर बेहतरीन ढंग से देख सकते हो। आपको क्या कर लेना है, एक ग्लास ले लेना है, उसमें रेजिन्स डाल देना है। रेजिन्स मतलब क्या, उसमें आपको किशमिश डाल देना है। तो आप देखोगे कि जब रेजिन्स डाल दोगे ना, तो दो चार पांच घंटे के बाद जो रेजिन्स है वो फूल करके इतना चौड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि अंदर में सेल में वाटर का कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट कम है। तो वाटर मूव कर जाएगा हायर कंसंट्रेशन आउटर मीडियम से, लोअर कंसंट्रेशन रेजिन्स के सेल के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और इसको हम लोग इंडो ऑस्मोसिस भी कहते हैं और इंडोसाइटोसिस भी कहते हैं, क्योंकि कोई चीज बाहर से सेल के अंदर मूव किया है। ठीक, तो ये घर पे ये चीज करके देखना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। देखो, यहां पर आपको एक सेल मिल रहा होगा, ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है, जो आउटर, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द साइटोप्लाज्म को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोई भी चीज अगर हाई कंसंट्रेशन बाहर से लो कंसंट्रेशन सेल के अंदर चला गया, मतलब कोई चीज सेल के अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो कोई बाहर से ज्यादा चीज अगर अंदर चला गया तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, या कोई चीज अंदर ज्यादा है वो बाहर चला गया तब पर भी पैसिव ट्रांसपोर्ट। और वो जाता है किसके थ्रू? तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। एक चीज याद रखना, बाहर से कोई चीज सेल के अंदर आएगा तो उसको कहेंगे इंडोसाइटोसिस, और कोई चीज अंदर से बाहर जाएगा सेल के तो उसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ना एकदम ईमानदारी से याद रखना है। अब जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज जस्ट लाइक अ सिंपल डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ना, एक जस्ट लाइक एक डिफ्यूजन की तरह है, बिकॉज चीजें पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई टू लो मूव करती हैं, या तो सेल के अंदर या तो सेल से बाहर। ठीक है, अब जरा हम लोग यहां पर पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जरा देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब उल्टा है।
टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अगर कोई भी चीज लो से हाई की तरफ मूव करती है तो वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें लो कंसंट्रेशन से, मतलब जहां चीजें कम है वहां से मूव करती हैं हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। सर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हो गया ऐसा रूल जो डिफ्यूजन के प्रॉपर्टी को फॉलो करे, मतलब हाई टू लो, तो वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो उल्टा है ना, वो लो से हाई की तरफ है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम पोटाशियम पंप, इसको ऐसे लिखते हैं Na+ by K+ पंप, इसको कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। एक्चुअली हम लोग के सेल में जो आयंस का जो मूवमेंट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मदद से होता है, मतलब लो रीजन से हाई रीजन की तरफ आ जाता है उल्टा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बॉडी में सेल्स में जो आयंस का मूवमेंट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मदद से होता है, और यही वो सोडियम पोटाशियम है जो बहुत जरूरी होता है बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में, वो जो सिग्नल वगैरह सब जो जाता है उसमें सोडियम पोटाशियम का बहुत योगदान है नर्व सेल में, न्यूरॉन में। पढ़िएगा हायर क्लासेस में। और एक बात मैं बता दूं, यहां पर नहीं लिखा हुआ है ए से एक्टिव, ए से एटीपी, तो जब आप नोट बना रहे होंगे तो कॉपी में इस बात को लिख लेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एटीपी। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। जी हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ना एनर्जी खर्चा होता है, एटीपी खर्चा होता है। और याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या खर्चा होगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ना आपको एटीपी खर्चा होता है। क्लियर हो गया ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आई होप आपको यह बात समझ में आया होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट का उल्टा है ये, इसमें एनर्जी खर्चा होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्योंकि कोई भी चीज अगर लो से हाई की तरफ जाएगा तो हमको ना एनर्जी लगाना पड़ेगा कि भाई तू जा, जबरदस्ती जा। अब डियर स्टूडेंट, अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। देखिए इंडो, इंडो का मतलब हो गया इनसाइड, तो इंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब कोई भी चीज सेल के बाहर से आउटसाइड सेल के अंदर मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंडोसाइटोसिस। ठीक, साइटोस का मतलब हो गया सेल के थ्रू मूवमेंट, ठीक है ना, मतलब सेल के थ्रू मूवमेंट, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल, आपको पता है C6H12O6 ग्लूकोज सेल के अंदर जो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो इंडोसाइटोसिस है। मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो भी एक प्रकार का इंडोसाइटोसिस है। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल, रिस्पायरेशन करने के लिए जो सेल ऑक्सीजन लेगा वो भी इंडोसाइटोसिस है, ठीक है ना। तो ये सब कहलाता है इंडोसाइटोसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखो अब यहां पर एक चीज है फैगोसाइटोसिस। अब यहां पर इस बात को समझना है डियर स्टूडेंट कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है, और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है फैगोसाइटोसिस के बारे में। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग प्रोसेस। अगर कोई सेल किसी चीज को ईट कर जा रहा है तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। मैं अभी यहां पर डायग्राम बना करके दिखाऊंगा। फैगोसाइटोसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडोसाइटोसिस, सेल ईटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। जब कोई सेल किसी चीज को खा जाता है तो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। और जाहिर सी बात है जब सेल किसी चीज को खा रहा है तो मतलब कोई चीज बाहर से सेल के अंदर आ रहा होगा ना जी। और यहां पर लिखा हुआ अमीबा ऑब्टेन देयर फूड बाय फैगोसाइटोसिस। अमीबा जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है वो अपना फूड फैगोसाइटोसिस के मदद से लेता है बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जो कि फॉल्स फिट है, मैं यहां पर डायग्राम बना के दिखाऊंगा। अब जरा देखिएगा फैगोसाइटोसिस क्या होता है। तो ये सिंगल सेल प्रोटोजोआ जिसको अमीबा कहते हैं, ठीक, और ये अमीबा का सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं, ठीक, जो कि साइटोप्लाज्म का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ठीक। अमीबा प्रोटोजोआ है, प्रोटो मतलब फर्स्ट, जू का मतलब एनिमल। तो मान के चलिए ये अमीबा का ये फूड है, ये अमीबा का क्या है, बाहर में कहीं पर फूड है, और अमीबा एक्वाटिक है। तो आप क्लास 10th में पढ़िएगा अमीबा अपने फूड को कैसे अपटेक करता है। तो ये जो आप अमीबा का जो पोर्शन देख रहे हो ना, इसको अमीबा क्या करेगा, फैलाएगा और अपना एक हैंड के तरह इसको बना लेगा और फूड को ऐसे पकड़ लेगा। और इसको हम लोग, अब ये अमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन को आगे की तरफ बढ़ाएगा हैंड के तरह, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो इसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, तो अमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन को आगे की तरफ बढ़ाएगा और जा करके इस फूड को क्या कर लेगा, इस फूड को अपटेक कर लेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है ना, स्यूडो
पोडिया, ओके इसको क्या कहते हैं, तो इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, जरा यहाँ पे ओ छूट गया तो स्यूडोपोडिया, स्यूडो पी एस ई यू डी ओ, स्यूडो पी ओ डी आई, पोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स मतलब झूठा, और पोडिया का मतलब होता है फिट मतलब हाथ पैर, ठीक है, तो अमीबा में तो पैर नहीं होता हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं ये स्यूडोपोडिया अमीबा का फॉल्स फिट है, और जब अमीबा एक बार जब फुट को अपटेक कर लेता है ना, तो ये स्यूडोपोडिया अमीबा का क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो अमीबा फिर अपने फुट को अपटेक कर लेता है। तो एक बात बताओ, यहां पर एक चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये जो आप अमीबा जो देख रहे हो, तो अमीबा तो अपने आप में एक सेल है, और ये सेल ने फुट को क्या किया, अपटेक किया, खा लिया, तो इसी सेल ईटिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी सेल ईटिंग प्रोसेस को हम लोग यहां पर कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और फैगोसाइटोसिस एक तरीके का इंडोसाइटोसिस है, और अमीबा इसी फैगोसाइटोसिस से फूड को अपटेक करता है अपने स्यूडोपोडिया के मदद से, फॉल्स फिट के मदद से। आपने देखा किस तरीके से अमीबा फूड को अपटेक किया, ये 9th के एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है, ठीक। चलो तो अब यहां पर हम लोग इंडोसाइटोसिस देखते हैं, जो कि जस्ट अपोजिट है फैगोसाइटोसिस का, ठीक है ना, तो जरा देखिएगा यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या लिखता है इंडोसाइटोसिस के बारे में राइटर एनसीईआरटी बुक का, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कोई भी चीज सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ मूव कर जाता है तो उसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब बाहर, लेकिन किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो आपको पता है आफ्टर रिस्पायरेशन सेल सब बाहर क्या निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के बाद रिलीज करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी अपने सेल से बाहर निकाल देता है, तो वो सब कहलाता है आपको एक्सोसाइटोसिस। तो सेल से बाहर कुछ गया एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर कुछ चीज आया तो इंडोसाइटोसिस। याद रखना है फैगोसाइटोसिस भी एक प्रकार का इंडोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस का मतलब हो गया सेल ईटिंग प्रोसेस, अमीबा इसी के मदद से फूड को अपटेक करता है अपने स्यूडोपोडिया का हेल्प लेकर के, फैगोसाइटोसिस करता है अमीबा, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट बनाओ डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, एक ग्लास ले लेना है, ठीक, उस ग्लास में आपको रेजिन्स मतलब किशमिश डाल देना है और 4-5 घंटा छोड़ देना है। जैसे 4-5-6 घंटा बीत जाएगा तो आप देखोगे रेजिन्स क्या होगा, फूल जाएगा, क्योंकि इंडोऑस्मोसिस की वजह से और इंडोसाइटोसिस की वजह से क्या होगा कि हायर कंसेंट्रेशन वाटर बाहर से लोअर कंसेंट्रेशन रेजिन्स के अंदर चला जाएगा, जिससे आपका रेजिन्स क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इस फेनोमेनन को हम लोग कहेंगे इंडोसाइटोसिस। और फिर इतना ही नहीं, फिर उस फूले हुए रेजिन्स को सॉल्ट सॉल्यूशन में डालोगे ना तो वापस से रेजिन्स क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होता है कि रेजिन्स में वाटर का अमाउंट ज्यादा है जबकि सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट कम है, तो वाटर वहां पर हायर कंसंट्रेशन रेजिन्स किशमिश से चला जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो वहां पर रेजिन्स क्या हो जाता है, सिकुड़ जाएगा, अंट जाएगा। आम का जो अचार बनता है तो आप अचार में एक चीज देखते होगे कि उसके ऊपर मम्मी नमक और मसाला डाल देती है तो आम क्या होता है, सिकुड़ जाता है, क्यों, वहां पर एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। आम का जितना भी सेल है, मैंगो का सेल, वो वाटर को लॉस कर देता है बाहर के तरफ, क्योंकि बाहर में वाटर का अमाउंट कम रहता है, क्योंकि बाहर में मसाला डाल दिए, अंदर सेल में वाटर का अमाउंट ज्यादा रहता है, तो वहां पर एक्सोसाइटोसिस हो जाता है जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। अचार देखिएगा सुकर का एकदम पतला हो जाएगा क्योंकि वहां पर वाटर का लॉस हो जाता है, और चूंकि सेल पानी को लॉस कर दिया है बाहर की तरफ तो मसाला गीला हो चुका होता है, ये चीज आप देखिएगा। और प्लांट सेल अगर वाटर को लॉस करता है तो उस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं, जानते हैं क्या, सुनिए, प्लाज्मोलाइसिस। जी हाँ, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो जब कोई प्लांट सेल वाटर का लॉस करता है मतलब एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, पानी सेल के अंदर से बाहर चला जाता है, तो वो कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में बेसिकली वाटर का लॉस होता है प्लांट सेल के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको ऑस्मोसिस पढ़ाऊंगा, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस इसी से रिलेटेड है। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं डेली बेसिस पर ऐसा ही वीडियो लाता रहता, और ध्यान रहे मेरे 9th क्लास का वीडियो आजकल सुबह के 7 बजे अपलोड हो रहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा सुबह के 7 बजे ही अपलोड हो, तो चैनल पर इंतजार करना रोज सुबह 7 बजे नए वीडियो का। थैंक यू सो मच, जय हिंद।